देखो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सीयूटी का फॉर्म किस तरह से फिल करें, क्या क्या तरीके हैं सीयूटी के फॉर्म को फिल करने के, और किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं, क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है, ये सारी चीजें हम डिटेल में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सीयूटी बेसिकली होता क्या है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे स्क्रीन पे आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा सीयूटी के बारे में। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी। हम यूजी के बारे में बात करेंगे, पीजी का भी होता है, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, यानी आप अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, ट्वेल्थ के बाद अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी करना होगा। इसके फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा, बिना इसके आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब पहला डाउट हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि भाई सीयूटी क्या मैंडेटरी है देना, सीयूईटी की अगर हम बात करें बिना सीयूईटी के काम नहीं चलेगा क्या, सीयूटी का एग्जाम देना कंपलसरी है या नहीं है, ये अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये सीयूईटी का एग्जाम देना जिसको कॉलेज में जाना ये नेसेसरी ही है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए क्या है नेसेसरी। अब आप कहेंगे सर नेसेसरी क्यों, हमें अगर देना है जेईई का एग्जाम, हमने जेई का एग्जाम दिया हुआ है, हमने नीट का एग्जाम दिया हुआ है, या हमें किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जैसे आईपीयू में जाना है, या हम लीट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या हम सर जेएनयू का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी क्या हमें सीयूटी का एग्जाम देने की जरूरत है, बिना सीयूटी के एग्जाम के हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। देखो बिना सीयूटी के एडमिशन मिले ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन आपको सीयूटी अगर आप ये एग्जाम भी दे रहे तब भी आपको सीयूटी देना है। ठीक है, सीयूटी का एग्जाम सभी के लिए मैंडेटरी है। क्यों है मैंडेटरी, आपको पता है जेई के एग्जाम की परसेंटेज सक्सेस रेशो क्या है। ठीक है भाई, आपका अगर 1,00,000 बच्चे भर रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चे पास होते हैं ये है, आप क्या 100% श्योर हो कि आपका जेई में हो जाएगा। अब मान लिया आप 100% श्योर भी हो आपका जेई में हो जाएगा तो ये सीयूटी भरने में क्या जा रहा है, ये भी बढ़ दो, आपके पास ऑप्शन है, तो आपने देखा होगा मूवी भाई ये भी ऑप्शन आप दिखाओगे हमने छोड़ दिया ये। ठीक है, तो भाई उस तरीके से आप कर सकते हो ना फिर, तो सीयूटी का एग्जाम देना सभी के लिए नेसेसरी, चाहे वो जेएनयू में दे रहा हो, लीट का एग्जाम दे रहा हो, जेई का दे रहा हो, नीट का दे रहा हो, आईपीयू का दे रहा हो, लीट वाले तो वैसे भी सेकंड ईयर में जाते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए होता है, तो आप नीट जेई के दे रहे भाई वहां पे अगर आपको 100% लग रहा हम पास हो जाएंगे, जेई हमारा क्लियर हो जाएगा, हमारा इंजीनियरिंग में या मेडिकल में वो हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, तब भी दे लो, क्या फर्क पड़ रहा है जहां इतना होकर, अगर नहीं भी हो आपके पास एक बैकअप प्लान है, क्योंकि अगर आप सीयूटी का एग्जाम नहीं दोगे तो आपके पास फिर ऑप्शन क्या बचेगा कि आप इग्नू में एडमिशन ले लो। ठीक है, क्योंकि आपको रेगुलर यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन बिना सीयूटी के नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ में जैसे आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में ही, तो आईपी यूनिवर्सिटी अपने अलग फॉर्म निकालती है, अगर आपको आईपी में भी जाना है कुछ यूनिवर्सिटीज अपने सेपरेट फॉर्म भी निकालती है, तो वो फॉर्म भी आपको फिल करने हैं। सीयूटी तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी अपने पर्सनल इंडिविजुअल फॉर्म भी निकालती है, वो फॉर्म भी आपको फिल करने चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हमारे पास भाई हमें सीयूटी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो जो भी बच्चे 12th क्लास में पढ़े हैं उन सभी के लिए मैंडेटरी से समझो कि सीयूटी उनको देना ही देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीयूटी जब हम देंगे तो सीयूटी में कितने पेपर होंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा। ठीक है, तो जब आप सीयूटी का यहां पे देखो, अगर मैं बताऊं सीयूटी में कुछ बच्चे हैं ना
मार्क्स ज्यादा लाने के बाद भी उनको कॉलेज नहीं मिल पाता, किसी को कम मार्क्स पे भी मिल जाता है, ये कारण क्या है? आपने किस तरह के सब्जेक्ट जो है एग्जाम किस तरह के सब्जेक्ट में दिया, यानी कौन से सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया, कौन से स्कूल आपने सेलेक्ट किए हैं, कॉलेज मतलब कौन से कॉलेज आपने सेलेक्ट किए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है। रिजल्ट आने के बाद भी ऑप्शन मिलता है कि आपको इस कॉलेज में जाना है, तो वो पूरा प्रोसेस ध्यान से अच्छे से आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप से कम वाले का एडमिशन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तो सीयूटी का जो पेपर होता है इसको आप समझ लीजिए, इसमें तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट्स है? तीन पार्ट्स में ये पेपर होगा आपका। पहला होगा हमारे पास लैंग्वेज का, फर्स्ट क्या होगा? लैंग्वेज, ये मैंडेटरी है, हर बच्चे को लैंग्वेज का पेपर देना जरूरी है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा जनरल टेस्ट। जो सीयूटी यूजी का एग्जाम होता है वो इन तीन पार्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको मिनिमम एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी ही है, ठीक है। आप दो भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लिया किसी को बीए करना हिंदी में या इंग्लिश में, वो ऑप्शन लेना चाहता है तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना ही सबसे मेन चीज है। अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही से नहीं करा तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स भी नहीं ला पाओगे, आपको आपकी मनपसंद का कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये टारगेट लगाना, मुझको करना क्या है भाई ट्वेल्थ के बाद, एक चीज पे फोकस कर लो कि मुझको ये ही करना है, इसी फील्ड में जाना है। अब देखो बेसिकली हमारे पास कौन कौन से फील्ड होते हैं, कि किसी को मान लिया बीए में एडमिशन लेना है, ठीक है, किसी को एडमिशन लेना है बीएससी में, किसी को एडमिशन लेना है बीकॉम में, किसी को लेना है बीसीए में, किसी को लेना है बीटेक में, ठीक है, किसी को लेना है डी फार्मा में, किसी को लेना है बी फार्मा में, ठीक है, और बीएससी में, बीए में, बीकॉम में, इनमें भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं भाई। बीए इंग्लिश से करनी है, इंग्लिश ऑनर्स करनी है, हिंदी से करनी है, पॉलिटिकल से करनी है, ठीक है, हिस्ट्री से करनी है, ऐसे ही बीएससी जो है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ्स से, ऑनर्स वगैरह करनी है, कंप्यूटर साइंस से करनी है, ठीक है। इस तरह के हमारे पास अलग अलग ऑप्शन, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखो जिसको ग्रेजुएशन लैंग्वेज में करनी है वो तो यहाँ पे दो लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले, ठीक है। बाकी के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे वो हिंदी सेलेक्ट कर ले, या जिनकी इंग्लिश अच्छी तो वो इंग्लिश, और जो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ के आए हैं और इनकी तो इंग्लिश ही सब्जेक्ट है, ट्वेल्थ में हिंदी है ही नहीं, तो उनको यहाँ पे लैंग्वेज में क्या सेलेक्ट करना है? इंग्लिश सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप एक लैंग्वेज या दो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको एक ही करनी, ज्यादा सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है अगर आप लैंग्वेज में ग्रेजुएशन नहीं करना चाह रहे। अगर लैंग्वेज में करना तो आप इंग्लिश या हिंदी के साथ या जिस भी रीजन में आप है, जो भी आपके, फिर आपको जिसके अंदर करना है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जैसे जनरल जो साइंस के बच्चे रहते हैं, ठीक है, या मतलब बीए को छोड़ के या लैंग्वेज को छोड़ के किसी में भी जाना है आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करें, जिसको इंग्लिश करनी वो इंग्लिश, जो हिंदी करनी वो हिंदी, ठीक है। फिर आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे पार्ट। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आप यहाँ पे दो से लेके चार तक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, 2 to 4, ठीक है। तो बेसिकली यहां से मिनिमम यानी दो सब्जेक्ट आपको रखने हैं और मैक्सिमम चार सब्जेक्ट रखने हैं। जनरल टेस्ट जो होगा ये एक ही होगा, ये सभी के लिए कॉमन है, एक पेपर होना है इसका, ठीक है, ये कॉमन होगा, इसमें कोई सिलेक्शन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। तो आपके पास बेसिकली एक इंग्लिश, एक कॉमन और दो सब्जेक्ट अगर ले ले तो मिनिमम आप चार पेपर देंगे,
आप कहने लगे सब्जेक्ट भी सर मैं तो एक ही लेना चाहूँ, तो कम से कम दो लेके चलो, ये मेरा सजेशन है इस तरह से। यानी कम से कम आप चार पेपर दे लो, वैसे तीन पेपर का भी ऑप्शन है, लेकिन आप छह से ज्यादा पेपर नहीं दे सकते, यानी सब्जेक्ट चार से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो मैक्सिमम है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको कैसे सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को जाना है बीएससी में, ठीक है, बीएससी में जाना, पहले मैं साइंस साइड वाले बच्चों की बात करूंगा, फिर कॉमर्स और आर्ट्स सब के बात करेंगे। बीएससी में जाना है, और बीएससी में मैं बात करता हूं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लेते हैं हम, बीएससी में भी अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। आपके पास ऑप्शन है बीएससी सीएस से या आईटी से करने का, आपके पास है बीसीए करने का ऑप्शन, ठीक है। तो इन दो चीज के बारे में हम बात करते हैं पहले। तो अगर आपको इन दोनों का टारगेट है आपके पास, देखो भाई कुछ बच्चे होते हैं बीटेक करना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल स्थिति नहीं होती उनकी अच्छी, मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बीटेक कर पाए, घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उनको बीटेक करा पाए। वे बीटेक करने में 4 से 5 लाख रुपए लगने हैं आपके, ठीक है। लेकिन उस बच्चे का इंटरेस्ट है कि वो जो है कंप्यूटर साइंस में कुछ करे, वो इंजीनियरिंग में कुछ करे, तो उसके पास क्या ऑप्शन हो सकता है? बीटेक वो नहीं कर पा रहा, जेई उसका क्लियर नहीं हो पाया। तो देखो अगर मान लिया डीयू में एडमिशन लेना, तो डीयू के अंदर जो है ये बीएससी सीएस आईटी होती है, ठीक है। इसकी फीस जो है साल की 10-12 हजार रुपए आपकी लगेगी। तो जो बीटेक में 4-5 लाख का खर्चा है इंजीनियरिंग करने में, बीएससी आईटी में उसका जो है वो 30-40 हजार रुपए में हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा 3 साल निकल जाएंगे 30-40 हजार में। और इसमें ये तो मैं कह नहीं रहा कि बीएससी जो है बीटेक के बराबर है, बीटेक तो इंजीनियरिंग में नंबर वन है, उसकी बराबरी पे कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप अगर गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे बहुत जगह जो है, या प्राइवेट में भी स्किल मांगते हैं, गवर्नमेंट में डिग्री मांगते हैं, तो ग्रेजुएशन में बीएससी सीएसआईटी वाले एलिजिबल होते हैं 70% चीजों में, तो जहां पे बीटेक वाले होते हैं, जैसे टीचिंग में ले लो या कोई और फील्ड ले लो जहां जनरल चीजें होती हैं, बीटेक मांगते हैं, तो वहां पे ऑप्शनल में ये भी रहता है। तो अगर आप बीटेक नहीं कर पाते तो आप यहाँ पे ये वाला ले सकते हैं, डीयू में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज वहां पे पढ़ाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बीसीए है, बीसीए वैसे डीयू में तो होता नहीं, अगर किसी को डीयू में लेना आईपीयू में होता है, ठीक है। तो आईपीयू में आप आईपीयू का फॉर्म फिल करके वहां से कर सकते हैं, ठीक है। या कुछ यूनिवर्सिटीज हैं अलग डीयू के अलावा, जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी है उसमें होता है, ठीक है, बीसीए भी होता है वहां पे, बीएससी सीएसआईटी भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से मतलब कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आपको ग्रेजुएशन करनी, तो सीयूटी में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें कौन से सब्जेक्ट लेने हैं आपको, एक मैथ्स लेना है और एक आपको सब्जेक्ट लेना है सीएस, ठीक है। कुछ बच्चे सीएस नहीं पढ़े होंगे ट्वेल्थ में, तो कोई बात नहीं, बाद में आप कर सकते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं कि ट्वेल्थ में सीएस होना जरूरी है। जिसके पास है उसके पास, जिसके पास ट्वेल्थ में सीएस थी या आईपी थी, उसके पास बहुत अच्छा मौका है, वो अच्छे मार्क्स ले आएगा इसमें। तो सीएस या आईटी आप आईपी इसमें से ले सकते हैं, कोई सा भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। मैथ्स मैंडेटरी आपको रखना है, और सीएस या आईपी में से आप कोई भी यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कि बीएससी आपको कंप्यूटर साइंस में नहीं करनी है, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में नहीं जाना, आपको बीएससी फिजिक्स में करनी है, ठीक है। किस में करनी है भाई? फिजिक्स में करनी है या मैथ में करनी है, ठीक है। तो फिजिक्स में, मैथ में या कॉमन आपको करनी, तो आप यहां पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे एक मैथ्स और फिजिक्स, कॉम्बिनेशन देखो आप, मैथ का कॉम्बिनेशन फिजिक्स के साथ है, मैथ्स का कॉम्बिनेशन एक मैंने यहां पे बताया फर्स्ट की मैथ्स और सीएस और आईपी, ये हो गया सीएस वालों के लिए। ये अगर किसी स्टूडेंट को ग्रेजुएशन करनी है मैथ्स में करनी हो या फिजिक्स में करनी हो,
ठीक है, तो वो मैथ्स या फिजिक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा, मैथ्स और फिजिक्स ये दोनों सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक दो सब्जेक्ट करने, आप केमिस्ट्री भी कर सकते हो और भी कर सकते हो, चार भी कर सकते हो, पर ज्यादा पेपर की सिरदर्दी क्यों लेनी है, एग्जाम फॉर्म फिल करने में भी ज्यादा खर्चा आएगा, ज्यादा की तैयारी करोगे तो सबकी हो भी नहीं पाएगी, थोड़ी थोड़ी रहेगी, दो रखोगे दो पे अच्छे से तैयारी करना, दो दो के कॉम्बिनेशन रखो उनमें ही अच्छे से तैयारी करना, बस फोकस बना लो मुझको ही करना। किसी को अगर करनी है केमिस्ट्री में करनी है तो भाई मैं उनके लिए केमिस्ट्री या बायो में करनी है तो उनके लिए कॉम्बिनेशन में बताऊं, यहां पे उनको केमिस्ट्री वालों को केमिस्ट्री और बायो रख लो, केमिस्ट्री और बायो रख लो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने पीसीएम से किया हुआ है तो उनके पास बायो नहीं था तो वो यहां पर मैथ्स ठीक है और केमिस्ट्री रख लो, मैथ्स केमिस्ट्री के साथ भी आ जाएगा। फिजिक्स रखना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री रख सकते हैं, ठीक है इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो अगर जिसको बायो में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है, मेडिकल लाइन की बात करते हैं, तो मेडिकल लाइन के लिए भाई आपके पास सब्जेक्ट बायो और दूसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट होने जरूरी हैं मेडिकल लाइन के लिए, ठीक है। बाकी आपको अगर बीए करना है तो बीए तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी पॉलिटिकल कुछ भी लो, चाहे मैथ ले लो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, बीए पे कोई वो नहीं है बाउंडेशन, किसी भी सब्जेक्ट में कर लो बीए में हो जाएगा। लेकिन बेटर ये है इस कॉलेज आपको सही अपनी मर्जी का मिल जाए तो जिस सब्जेक्ट में आपको करना हो उसी सब्जेक्ट में आप पेपर दे लो, ठीक है। तीसरा जनरल टेस्ट होगा, जनरल आपके पास सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरह से सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे। अब पेपर का पैटर्न मैंने बता दिया, तीन पार्ट में पेपर होगा, तो तीन पार्ट में जब ये पेपर होने वाला है बेटा तो यहाँ पर हमें ये समझना कि देखो ये कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला पार्ट आपको बताया, पहला पार्ट आपका लैंग्वेज का होगा, जैसे इंग्लिश का होगा, तो पहला पार्ट लैंग्वेज का इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने करने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। दूसरा आपके पास जो है सीएस या मैथ का, आपने जो भी सब्जेक्ट का पेपर लिया है तो सब्जेक्ट है आपके पास, जैसे आपने मान लिया सब्जेक्ट में एक ले लिया मैथ्स, तो मैथ्स का आपको जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 उसमें से भी करने हैं आपको, 40 अटेम्प्ट करने हैं। सीएस आपने लिया है या आईपी लिया है तो 50 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, उसमें से भी आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास होगा। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट हमारे पास क्या था, तीसरा पार्ट है जर्नल पेपर, जिसमें जर्नल नॉलेज रीजनिंग मेंटल एबिलिटी वगैरह ये आते हैं। तो जर्नल पेपर जो होगा उसके अंदर हमारे पास 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे वहां पे, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे तो ये सीयूटी की वेबसाइट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आप जाएंगे यहाँ पे सीयूटी यूजी 2024 लिखना आपको 2024, ये वेबसाइट आ जाएगी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो इसको ओपन करेंगे, ये आपके पास यूनिवर्सिटी का वो जो सीयूटी है उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब देखो ये वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें दिया हुआ है कि चॉइस ऑफ टेस्ट, जर्नल वालों के लिए फर्स्ट अगर तीन सब्जेक्ट का ही पेपर दे रहे हैं आप तो आपको 1000 रुपए की फीस लगेगी। तीन सब्जेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक इंग्लिश हो गया, एक आपका जनरल हो गया और आपने कोई एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है भाई। जिसको टारगेट है भाई मुझको केवल कंप्यूटर साइंस में करना तो वो खाली कंप्यूटर साइंस ही सेलेक्ट कर ले, जिसको है मुझे मैथ में करना वो खाली मैथ। लेकिन मैंने जैसे आपको
आपको सजेशन दिया आप कम से कम दो सब्जेक्ट रखो तो आपके पास ऑप्शंस रह जाएंगे, तो आप 400 रुपए एडिशनल सब्जेक्ट की फीस लगेगी आपको। आप मैक्सिमम सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है 4 सब्जेक्ट रख सकते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग फीस बढ़ती चली जाएगी। ये ओबीसी वालों के लिए एससी एसटी और सेंट्रल आउटसाइड इंडिया होगा तो उसके लिए तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वैसे 4500 रुपए फीस होती है। ठीक है, ये तो फीस के बारे में होगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन की, ठीक है, ये हमारे पास है, इसका मतलब ब्रोशर दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म जो फिल होने स्टार्ट हो गए हैं वो 17 फरवरी से हो चुके हैं। ठीक है, कब से हो, 27 फरवरी से और लास्ट डेट जो है 26 मार्च है, तो 27 फरवरी से 26 मार्च तक चल रहे हैं। तो 26 मार्च तक सभी को, उससे पहले मतलब आप टारगेट लगा लो, हम 20 तक फॉर्म फिल कर देंगे। बीटेक सीयूटी में जो है बेटा, सीयूटी के लिए बीटेक की जरूरत नहीं, बीटेक जो है हमारे पास फॉर्म आप फिल कर दो इसमें भी, फिर आपका हर यूनिवर्सिटी का अलग पेपर होता है। जैसे आपको बताया कि अगर आपको बीटेक आईपीयू से करनी तो आपको आईपीयू का फॉर्म भरना पड़ेगा, बीसीए करनी तो आईपीयू का फॉर्म भर देना आप, या आपको अगर यूपी से करनी तो यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है या कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का इंडिविजुअल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट डेट जो है 26 मार्च आपको बताइए करेक्शन के लिए दिया हुआ है। आपके एग्जाम किस सिटी में होंगे, मोस्ट प्रोबेबली जहां आप फिल करोगे वहीं पे आपको मिल जाएगा उसी सिटी में, जैसे दिल्ली वाले तो दिल्ली में मिल जाएगा। 30 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 15 मई से 31 मई के बीच में जो है एग्जाम होंगे। एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। अगर बहुत ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, नहीं तो ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है। ठीक है, 30 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो 15 मई से इसके बीच में, यहाँ पे फीस के बारे में आपको पहले ही बता दिया था क्या है। आप देखो मीडियम इसमें टेस्ट का पैटर्न बताया, हाइब्रिड मोड है, कैसे भी हो सकता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज 13 लैंग्वेज में होंगे लेकिन हमारे लिए मेनली इंग्लिश या हिंदी में आपको जो करना। लैंग्वेज के सब्जेक्ट आपको बताए उनमें से किस तरह का पेपर आएगा, वो हम पेपर के क्वेश्चन का टाइप भी आपको पूरा डिस्कस करके बता देंगे कैसा होगा, किस लेवल के होंगे सारे के सारे। डोमेन स्पेसिफिक में केवल आपका सब्जेक्ट का 12th क्लास के सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। जो 12th क्लास का सिलेबस है एनसीईआरटी का बुक का, या आप अगर कोई भी पढ़ रहे हैं जो सीबीएसई की साइट पर सिलेबस दिया हुआ है उसमें से ही आपका पेपर पूछा जाएगा। जनरल टेस्ट जो होगा उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, एलजेब्रा, स्टैटिक्स, मेंसुरेशन, लॉजिकल और एनालिटिक रीजनिंग, मतलब जीएस है, रीजनिंग है और मैथ्स, एक तरह से ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको करने, 50 क्वेश्चन में से आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट का। ठीक है, कितना टाइम मिलेगा, 45 मिनट का। लेकिन जो हमारे पास जैसे अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईपी, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनमें कैलकुलेशन वगैरह भी होती है और जनरल टेस्ट भी, इनकी टेस्ट की ड्यूरेशन 60 मिनट होगी। ठीक है, यानी इंग्लिश का पेपर जो होगा आपका वो तो 45 मिनट का होगा, बाकी पेपर जो है 1 घंटे के होंगे। ठीक है, जैसे मैथ्स का हो गया, सीएस का हो गया, जनरल हो गया, वो सब 1 घंटे के होंगे। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं आगे इसके बारे में, आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करके ये करना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन है वो तो इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, वो आपको मैं बता दूंगा अलग से कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको ये वाली जैसे लिंक है इस लिंक पे आप जाएंगे, अभी आपको बताया था, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसेस करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन में आपकी डिटेल मांगी जाएगी सारी, तो यहां से क्लिक करेंगे, साइट अभी थोड़ी सा बिजी है, ओपन हो जाएगी, ये हो गई। ठीक है, तो आप 20 तारीख तक फॉर्म फिल कर लें, फिर साइट बिजी हो जाती है, ओपन भी नहीं होती कभी कभी। तो आधार कार्ड से करना, तो
कार्ड लिख के यहाँ पे आपका आधार नंबर लिखेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे तो ओटीपी आएगा, उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी ये सब लिखा हुआ है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको ये फील्ड मिलेंगे आपको जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल होगी, उसके बाद एड्रेस होगा, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपको पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन करना है, पर्सनल डिटेल आपको देनी है। ठीक है, जब ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपर, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करके फिर फॉर्म फिल करना, फॉर्म में भी पर्सनल डिटेल होगी, एड्रेस हो गया, कैटेगरी हो जाएगी, कैटेगरी के बाद आपके पास आ जाएगा क्वालिफिकेशन की डिटेल आपकी। ठीक है, उसके बाद ट्वेल्थ की और टेंथ की दोनों, फिर आपको कौन सी सिटी सेलेक्ट करनी, दो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रीफर करते हैं, वहाँ पे जैसे किसी को DU में करना तो DU में कर लिया, फिर कौन सा उसमें कोर्स करना, कोर्स सेलेक्ट करेंगे आप कि आप इस कोर्स के लिए कर रहे हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 6 पेपर हैं, 6 पेपर, फिर अपना फोटो अपलोड कर देंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, किसी को फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे पास आकर फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है, आपको गाइड कर देंगे, या आप जो है बेसिकली ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मैसेज करके हम करवा देंगे। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो सिलेबस देखो कोई अलग नहीं है, अगर कंप्यूटर साइंस का जैसे आपको बताया केवल 12th का सिलेबस रहना है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में IP भी है, तो ये इसमें कुछ बच्चे IP पढ़ते हैं, कुछ CS पढ़ते हैं, दोनों ऑप्शन है, तो इसीलिए इसके जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी के सिलेबस से। तो मैथ है, मैथ में तो पूरा आ जाएगा, फिजिक्स में पूरा आ जाएगा, केमिस्ट्री में पूरा आ जाएगा, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में सेक्शन बनेंगे, दो सेक्शन बनेंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए चाहे CS का बच्चा हो चाहे IP का बच्चा हो, उनके लिए कॉमन ही होगा, यानी कुछ पोर्शन जो है सिलेबस का CSIP में कॉमन रहता है, कुछ अलग होता है जैसे स्टैक फाइल हैंडलिंग ये CS में होती है, जबकि पांडाज डेटा विजुअलाइजेशन ये IP में पढ़ाई जाती है। तो वो सेक्शन बी में दो पार्ट होंगे, B1 और B2, तो B1 CS वालों को करना, B2 IP वालों को करना है। तो सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होंगे, वो दोनों के लिए होंगे, वो नेसेसरी है, मैंडेटरी 15 के 15 ही करने, जबकि सेक्शन B1 में 35 क्वेश्चन, B2 में भी 35 क्वेश्चन, उनमें से 25-25 ही करने हैं आपको। तो B1 वाला सेक्शन करेगा कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा, B2 वाला सेक्शन करेगा IP वाला बच्चा। ठीक है, तो सेक्शन ए होगा उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी, एक्सेप्शन और फाइल हैंडलिंग पाइथन में कैसे पढ़ाई जाती है, DBMS होगा, SQL के बारे में होगा और नेटवर्किंग, ये कॉमन ही है। ऐसे एक्सेप्शन हैंडलिंग IP में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन उनको ये एक्स्ट्रा में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद कंप्यूटर साइंस का जो B1 वाला पार्ट है उसमें पहला एक्सेप्शन हैंडलिंग ही है, फिर स्टैक है, फिर क्यू है। क्यू बेसिकली सिलेबस में 12th वाले में नहीं थी, लेकिन CUT में उसके पेपर में आते हैं, पहले थी वो अभी हटा दी गई थी सिलेबस में से। सर्चिंग आएगी, सॉर्टिंग आएगी, अंडरस्टैंडिंग डेटा, ये DBMS वाले पार्ट में डेटा विजुअलाइजेशन का कुछ पार्ट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। डेटाबेस है, फिर SQL है, मतलब यहाँ पर कुछ चीजें आपको ये वाले पार्ट दिया हुआ है, ये CUT में 12th के सिलेबस से कंप्यूटर साइंस वाले में अलग है, जैसे क्यू होगी, सर्चिंग, सॉर्टिंग और अंडरस्टैंडिंग डेटा। तो इनके लिए अगर आप कोई CS में एडमिशन लेना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पे आप देखेंगे SP शर्मा क्लासेस पे CUT स्पेसिफिक भी एक कोर्स है, तो आप वहां पे CUT स्पेसिफिक कोर्स में जा सकते हैं, यहाँ पे कोर्सेज में, उसमें कंप्यूटर साइंस वाले पार्ट का CUT के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये एस्टा वाले पार्ट हैं वो आप यहां से कवर कर सकते हैं, इसमें एक CUT का कोर्स होगा। ठीक है, तो उसमें से आप कर लेंगे, अभी ये वाला पार्ट है CUT का। ठीक है, CS और IP दोनों के लिए है, इसमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो उसमें एस्टा में दी हुई थी, टेस्ट सीरीज भी, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर SQL आ गया, SQL के बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग, IP वालों में DBMS पांडा जो उनके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ये सारी
सिलेबस, उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है सारा का सारा। बाकी आपके पास जो है इस तरह का मतलब एग्जाम होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो जर्नल पेपर है, जैसे इंग्लिश का पेपर की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश में आपका जैसे 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 30 तो आपके पैसेज होंगे और 30 क्वेश्चन, 3 पैसेज आएंगे, हर पैसेज से 10-10 नंबर का आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ कुछ गाइडलाइंस और उसका टेम्पलेट, ठीक है। तो सीयूटी के क्वेश्चन जो है किस पैटर्न पे रहने वाले हैं, यहाँ पे इसको आप समझेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट होगा उस सभी के लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक है। देखो जो वेटेज होगी, वेटेज 3 पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। 20% क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट के वो आएंगे एप्लीकेशन बेस, 50% अंडरस्टैंडिंग बेस और मेमोरी बेस यानी रिकॉल बेस 30% क्वेश्चन रहने वाले हैं। डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा, 25% क्वेश्चन इजी रहेंगे, 60% मीडियम लेवल के रहेंगे, 15% डिफिकल्ट लेवल के रहेंगे। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये कॉमन है, मतलब आप चाहे जर्नल पेपर दे रहे, चाहे सब्जेक्ट का पेपर दे रहे, चाहे इंग्लिश का पेपर, ये 3 चीजें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सभी के लिए कॉमन है। सिंपल MCQ 60% क्वेश्चन आएंगे, सिक्वेंस टाइप के क्वेश्चन 10 आएंगे। सिक्वेंस का मतलब होता है कि आपको ऐसा सिक्वेंस लगाना ABCD या CBAD, इस तरह के सिक्वेंस में आएंगे। फिर ट्रू फॉल्स फैक्ट बेस्ड 10% क्वेश्चन ये भी आएंगे, मतलब 50 क्वेश्चन आ रहे तो 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के भी रहेंगे। वे कुछ फैक्ट बेस्ड रहेंगे और 10% जो है ओपिनियन बेस्ड रहेंगे। फिर मैचिंग टाइप के आएंगे, लिस्ट मैच करनी, 5 क्वेश्चन आपके उसमें से बन रहे हैं, 10% क्वेश्चन मतलब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन के टाइप के बारे में, डिफिकल्टी और कॉग्निटिव। आप उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस जो है, अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें, जैसे इंग्लिश का ही है, तो एक पैसेज, 3 पैसेज मिलेंगे आपको 300 से 350 वर्ड्स के, ठीक है। फैक्चुअल, लिटरेसी या नैरेटिव बेस होंगे, हर पैसेज पे 10 क्वेश्चन होंगे तो 30 नंबर यहीं से आ गए। उसके बाद वर्बल एबिलिटी आएगी आपके पास, उसमें क्या है, रीअरेंज करना मीनिंगफुल सेंटेंस, जैसे PQRS टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो PQRS टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहां पर, ठीक है। तो PQRS के 5 क्वेश्चन आएंगे यहां पर। इसके बाद मैच द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, चूजिंग द करेक्ट वर्ड 5 क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 5 क्वेश्चन, यानी टोटल जो है 50 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के ऐसे होने हैं, जिसमें 30 तो पैसेज में से ही आ जाएंगे, 5 PQRS, 5 मैचिंग के, 5 करेक्ट वर्ड आपको सेलेक्ट करना, स्पेलिंग गलत रहेगी कुछ वर्ड्स की, एक की सही रहेगी वो सेलेक्ट करना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे 5। तो ये आपका एग्जाम का यानी पेपर का पैटर्न रहने वाला है। लेवल, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कॉग्निटिव लेवल क्या है और क्वेश्चन के टाइप क्या है और सब्जेक्ट का इंग्लिश का आपको बता दिया, इस तरह का पेपर रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको इनकी प्रैक्टिस की, तो अभी आप फॉर्म भर लीजिए, 20 तारीख तक सभी फॉर्म फिल कर लो। उसके बाद आपका 2 अप्रैल को लास्ट पेपर होगा, ठीक है, CS या IP का। 2 तारीख के बाद 2 अप्रैल को आपके सारे पेपर हो जाएंगे। उसके बाद आप CUT की तैयारी उसके बाद करना, ठीक है। और इसके आपको टेस्ट सीरीज कहां से करनी, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट कैसे कैसे करने, वो सारी की सारी सब्जेक्ट वाइज मैं आपको डिटेल बता दूंगा। CUT की वेबसाइट पे भी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तो आपको घबराने की कोई वो नहीं। आप कैसे उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे वो सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं, कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं मैं उनको ले लेता हूं पहले। जेई के मार्क्स से कॉलेज में बीटेक के लिए, तो बताया बेटा आपको कॉलेज में बीटेक के लिए जेई के मार्क्स प्रीफर करे जाएंगे, लेकिन आपको अगर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी में जाना तो उसका भी आप, जैसे आईपी का अलग फॉर्म निकला हुआ है तो वो भी आप भर दें। PCM से डी फार्मा कर सकते हैं क्या, डी फार्मा के लिए बायोलॉजी होनी चाहिए, उसके लिए वो यूज होगा।
आईपीयू अलग, हाँ आईपीयू के लिए आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आपको आईपीयू में एडमिशन लेना है, तो सीयूटी तो रहेगा ही आपको, ये तो जनरल है, लेकिन आईपीयू अपने भी फॉर्म निकाल रहा भाई, उसको भी पैसे चाहिए फॉर्म के, तो उसने भी निकाले हुए हैं अपने फॉर्म, और वो जेई को भी लेंगे वे और सीयूटी को भी लेंगे, लेकिन पहले अपना फॉर्म वाले को ही प्रीफर करेंगे, सीट फुल होगी तो बाकी को नहीं लेंगे वो। तो आईपीयू के बारे में यही है कि आईपीयू का फॉर्म आप फिल कर देना जरूर, सीयूटी का भी भरना, आईपीयू का। दिल्ली वाले बच्चों के लिए तो मैं बता रहा हूं भाई, आईपीयू और सीयूटी दोनों भरना आप, ठीक है, आईपीयू भी जरूर भरना, और आपका एडमिशन जो है अगर आप अच्छे मार्क्स ले आए, एडमिशन आपका हो ही जाएगा। आपको BCA में एडमिशन लेना, BTech में एडमिशन लेना, BSc, CSE, IIT में एडमिशन लेना, एडमिशन हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। कंप्यूटर साइंस वालों का तो जिस कॉलेज में करवाना वो, IP के कॉलेज में करना तो IP का फॉर्म भर देना बस आप, तो IP के कॉलेज में आपके पास वाले कॉलेज में ही आपको मिल जाएगा। CUT में BTech के लिए सब्जेक्ट, देखो CUT से BTech नहीं होगा बेटा, BTech के लिए CUT नहीं है, BCA कुछ यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, या जो हमारे पास ये है BSc कर सकते हो। BTech के लिए आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल करना होगा, जैसे आपको बताया IPU का करना, UTU का करना, या जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में ये CUT जो है आपके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, जैसे DU में आपको एडमिशन लेना, आपको वीडियो अगर कोई बाद में आया तो वो देख लेना, मैंने बताया था CUT सबको भरना जरूरी है, क्यों जरूरी है, ठीक है, ये भी आपको बताया था। तो CUT तो आपको भरना ही भरना है सबको, ठीक है, चाहे आपको BTech करनी हो चाहे कुछ भी करनी हो, ठीक है, CUT तो आप भरो ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको अगर BTech करनी तो खाली CUT से आपकी BTech नहीं होगी, आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, उसका भी फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। BCA करनी तो उस पर्टिकुलर जिस यूनिवर्सिटी से करनी उसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी फिर जो है हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है इसके बारे में मैंने ग्रुप में भी शेयर किए थे, वैसे हम डाल देंगे इसमें भी, और फॉर्म किसी बच्चे को अगर करना तो हम पूरा फॉर्म का प्रोसेस बना के, कोई बच्चा भरवाना चाहता हो तो अपनी डिटेल भेज देना, हम उसका फॉर्म फिल कर देंगे, यहाँ पे फॉर्म फिल करते हुए उसकी वीडियो बना देंगे, बाकी देख लेंगे, तो आपको कैफे वैफे पे जाके बनाने की जरूरत नहीं। फॉर्म जब फिल करो तो ध्यान एक चीज रखना, बाद में नहीं तो फ्यूचर में परेशानी होगी, साइबर कैफे से भरवाने जाते हैं बच्चे, साइबर कैफे वाले अपना मोबाइल या अपनी ईमेल डाल देते हैं कुछ भी बना के, फिर ढूंढते रहेंगे। फॉर्म फिल करने से पहले आप सबके पास अपनी ईमेल आईडी, अपना ही मोबाइल नंबर होना जरूरी है, और आधार कार्ड, ये तीन चीजें जरूरी है। 10th और 12th की आप अपनी मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट लेके बैठे, अपना एक फोटो लेके बैठे, ठीक है, ये चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म फिल करें।